हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? तो गर्मियां आ चुकी हैं, हम सब जानते हैं, और आइसक्रीम कुल्फी बच्चे रोज़ मांगते हैं। रोज़ रोज़ बाहर से लाना थोड़ा मुश्किल है। घर पे बनाते हैं तो बहुत सारा दूध चाहिए होता है, जो कि रोज़ रोज़ नहीं बनाई जा सकती है। तो आज आपको एक सीक्रेट बताएंगे, ब्रेड से आज हम बनाएंगे यहाँ पर आइसक्रीम कुल्फी। तो फ्रेंड्स, अगर पहली बार चैनल पर आए हैं या अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। तो यहाँ मैं ले रही हूँ 1 कप दूध, लगभग 200 ग्राम दूध है ये। तो इसको हम पैन में डालेंगे और बॉईल होने के लिए छोड़ देंगे। तब तक मैं यहाँ ले रही हूँ 20-25 बादाम। इन बादामों में ही मैं 2 इलायची के दाने डाल दूँगी, ताकि हमारी जो कुल्फ़ी तैयार हो उसका फ्लेवर, उसकी खुशबू बहुत बढ़िया हो जाए। तो यहाँ 2-3 इलायची के दाने मैंने इसमें डाल दिए हैं। अब हमें इन्हें पीस लेना है मिक्सी में। तो अब पीस लिया है, ये हमारा बादाम और इलायची का पाउडर तैयार हो गया है, आप देख सकते हैं। अगर आपको बादाम नहीं है तो यहाँ पे आप मूंगफली के दाने डाल सकते हैं। अब मैंने 2 ब्रेड लिए हैं, इन ब्रेड का ब्राउन वाला पार्ट निकाल के इसे हम मिक्सी में पीस लेंगे, इसका भी हम एक पाउडर बना लेंगे। तो ये देख सकते हैं, हमारी जो है ब्रेड भी पीस चुकी है और हमारा ब्रेड का पाउडर तैयार है। दूध यहाँ उबलने वाला है तो इसको हम चलाना शुरू कर देंगे। फ्लेम को मैंने लो कर दिया था तो अब इसको चलाएंगे, अच्छे से बॉईल कर लेंगे। ज़्यादा गाढ़ा बाढ़ा करने की ज़रूरत नहीं है आपको। 2 चम्मच से मैं चीनी ऐड कर रही हूँ। ज़्यादा चीनी अगर हो जाएगी आपके कुल्फ़ी के बैटर में तो आपकी कुल्फ़ी अच्छी नहीं जमेगी। अब इसमें मैंने जो बादाम पीसे थे और इलायची वो डाल दिए हैं। अब इसको कंटिन्यू चलाएंगे, लगभग 2 मिनट हम इसको कुक कर लेंगे, ताकि बादाम जो है, बादाम का पाउडर डाला है जो हमने, वो अच्छे से इसमें घुल जाए। और अब डाल देंगे 2 ब्रेड जो हमने पीसे थे मिक्सी में उन्हें, और इसको बराबर चलाते जाएंगे इस तरह से। तो ब्रेड डालने के बाद कंटिन्यू चलाना है आपको, और फ्लेम को मीडियम पे सेट कर लेना है। कम से कम 2 मिनट तक आपको कुक करना है। 2 मिनट में ही जो हमारा बैटर है वो काफ़ी गाढ़ा हो जाएगा। ब्रेड है इसमें तो ब्रेड जब भी डालते हैं तो बहुत जल्दी वो फूल जाती हैं, आप देख सकते हैं। पर अभी आपको इसको चलाते रहना है। यहाँ पे अगर कोई ड्राई फ्रूट और ऐड करना चाहते हैं तो बारीक कट करके बादाम या फिर गोला जो भी डालना चाहते हैं, नारियल आप डाल सकते हैं इसमें। तो मुझे फ्रेंड्स सपोर्ट करें, मुझे सपोर्ट करने के लिए कुछ नहीं करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। तो आप देख सकते हैं हमारा बैटर जो है वो गाढ़ा होना, ठीक होना शुरू हो गया है। मैंने फ्लेम को अभी मीडियम कर लिया है, और आप देखें कंसिस्टेंसी इसकी, ये रबड़ी जैसा दिख रहा है हमें। तो अब हम थोड़ी देर बाद गैस को बंद कर देंगे और इसको इसी में ठंडा कर लेंगे। तो मैंने गैस को बंद कर दिया है और इसको चलाएंगे ताकि ये जल्दी ठंडा हो जाए। ऐसा करने से आपका जो बैटर है वो जल्दी ठंडा हो जाता है। तो बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी है। अब हम दूध को ठंडा करेंगे। जब ये ठंडा हो जाएगा तो एक प्रोसेस हमें भी और करना है, जिसके बाद हमारी जो कुल्फ़ी बनेगी बिल्कुल मटका कुल्फी जैसी आप खाते हैं बाहर की कुल्फी, वही टेस्ट वही स्वाद आएगा इसमें। तो अगर बिल्कुल इसी तरीके से आप कुल्फी बनाते हैं तो कोई भी ये बता नहीं पाएगा कि ये कुल्फी आपने ब्रेड से तैयार की है। तो हमारा बैटर ठंडा हो गया है, इसे मिक्सी में डालेंगे और हम इसे थोड़ा सा इसमें दूध ऐड कर देंगे, लगभग 2 टेबलस्पून दूध है, ताकि थोड़ा सा बैटर हमारा अच्छे से पिस जाए। आप देखें कितना क्रीमी इसका टेक्सचर, देख सकते हैं हमारा बैटर तैयार है, और इसका स्वाद बहुत बढ़िया है। बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि आपने ब्रेड डाली हुई है इसमें। फिर हम इस तरीके से, अगर आपके पास कुल्फी जमाने वाला है तो उसमें जमा लें, अगर नहीं है तो भी आप कुल्फी बना सकते हैं। यहाँ पर मैं गिलास ले रही हूँ, छोटी गिलासी है ये, तो इस तरीके से आप छोटी गिलासी में जमा सकते हैं आप, और इसको कवर कर देंगे हम। आप पॉलीथीन से भी कवर कर सकते हैं। कवर करने से इसमें जो अब आप फ्रीजर में रखेंगे तो इस पर कोई भी जो बर्फ़ होती है, आइस होती है, उसमें वो नहीं गिरेगी। और अब इसको रात भर के लिए छोड़ दिया था। अब रात भर बाद आप देख सकते हैं हमारी आइसक्रीम जम चुकी है। कोशिश करें कि आप आइसक्रीम को रात भर जमने दें, नहीं तो 7-8 घंटे में भी जम जाती है। और सुबह आप इसको निकालें, इस तरीके से पानी में रखें, थोड़ा सा इसको हम ऐसे रब कर देंगे, बहुत ही आसानी से हमारी आइसक्रीम कुल्फी बाहर आ जाती है, और बहुत ही बढ़िया टेक्सचर है क्रीमी इसका। तो इस तरीके से आइसक्रीम बनाएंगे तो बहुत बढ़िया बनेंगी, और ब्रेड की आइसक्रीम
बिल्कुल भी पता नहीं चलने वाला है। आप खुद खा के नहीं जान पाएंगे कि आपने इस आइसक्रीम में, इस कुल्फी में ब्रेड भी मिलाया है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।